टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक प्रेशर है क्या। मान लो आपके पास ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर है। अगर मैं ये कहूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस छोटे से एलिमेंट पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगाई होगी रिपल्शन, ऐसी इसने इन पे भी लगाई होगी रिपल्शन। देखो ना हर कोई पार्ट दूसरे पार्ट पे फोर्स लगाता जा रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं, ये छोटे से पार्ट पे बचे हुए पार्ट में क्या लगाई फोर्स लगाई होगी, जो भी फोर्स लगाई उसको इसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर आ जाएगा, वो प्रेशर को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने अभी तक बातें फोर्स में की हैं, बस फोर्स को एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट तो बाद में करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे पहले इस रिजल्ट को करेंगे, एनसीईआरटी का पार्ट है ये आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है। क्या क्वेश्चन है इसमें, ये बताया हुआ है कि सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि आप इसके बहुत नज़दीक एक पॉइंट लें जिसके ऊपर ई की वैल्यू निकालें, इस पूरे कंडक्टर की वजह से, इस कंप्लीट कंडक्टर की वजह से क्या ई की वैल्यू होगी, ये आपको आप मुझे बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और कंडक्टर स्फेयर होता अगर तो मैं एक सेकंड में बताता, 1/4πε₀Q/r² बस, स्फेयर नहीं है, रैंडम टेढ़ा मेढ़ा है। अब क्या करें फिर, जिसका कोई नहीं तो उसको बुलाना पड़ेगा गॉस, तो गॉस करेगा, गॉस कैसे करेगा, वो कहते हैं क्लोज बॉडी दो कहाँ पर है, तो मैंने कोई भी एक रैंडम क्लोज बॉडी ले ली, यहाँ मुझे ई निकालना है, एक क्लोज बॉडी ऐसे ले ली ताकि कुछ पोर्शन अंदर कुछ बाहर चला जाए, कंसिडर कर ली। फिर मैंने ये कहा कि देखो ये एक कंडक्टर है और मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूँ इसका, देखो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ई क्या होगा, जीरो, किसी भी कंडक्टिंग शेल या नॉन शेल जैसा भी होगा, कोई भी शेप हो उसके अंदर ई हमेशा क्या होता है, जीरो, तो यहाँ तो फ्लक्स आएगा नहीं। इसका सरफेस एरिया ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस को रिपेल करेगा ऐसा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का भी नहीं आएगा क्योंकि ई में और डीएस में एंगल क्या बन रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया में 90, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ठीक है ना, क्योंकि ई वेक्टर बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स जीरो। बचा क्या, सिर्फ ये सरफेस, ई कहां पर है, इधर है, एरिया कहां है, इधर है, तो टोटल फ्लक्स क्या है, ई इंटू एरिया, तो फ्लक्स आ गया क्लोज बॉडी का। इस क्लोज बॉडी के फ्लक्स में गॉस थ्योरम क्या कहती है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर सिर्फ ये चार्ज है, अगर आप देखें सिर्फ ये चार्ज है क्योंकि ये वाली चार्ज बॉडी थी। अब ये चार्ज है क्या, क्योंकि सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा यूज करेंगे और इस पोर्शन का एरिया कितना एज्यूम किया हमने, ए, तो सिग्मा इंटू ए चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम लगा ली, तो हमने एक बार ई डॉट डीएस से निकाल लिया, एक बार इसका चार्ज निकाल लिया, सिग्मा इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर अपने फॉर्मूला रजिस्टर में इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट करो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट करो, क्या नोट करोगे, नोट ये करो कि इफ दिस इज अ कंडक्टर, इफ दिस इज अ कंड, लिख लेना, इफ दिस इज अ कंडक्टर, ठीक, तो E की वैल्यू ड्यू टू दिस कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये नोट करें, E की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तक रिजल्ट क्लियर है, तो आज के बाद एक ऑब्जेक्टिव अगर आया और ये बोले कि एक कंडक्टर है, शेप कैसी भी हो, तो उसके आसपास देखो, तो बहुत दूर नहीं, बहुत दूर तो ई जीरो हो जाएगा, उसके बिल्कुल क्लोज सरफेस पे ई की वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होना हो, पर देखो ये आपके सिलेबस में है और आएगा ये। फिर ये भी नहीं, और डीप चलते हैं इसके,
और डीप ये कि अगर ये शेप रैंडम है, ऐसी फेयर नहीं है, और इसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख रहे हो, इसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखो, ठीक। तो रूल नंबर वन, अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी होती और इस पे चार्ज होता तो सिग्मा की वैल्यू इसमें कांस्टेंट होती, सिग्मा की वैल्यू इसमें कांस्टेंट होती, हमने किया कितना चार्ज बाय एरिया। लेकिन अगर ये ऐसी बॉडी है इस पे सिग्मा कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखो इसका कर्वेचर कैसा है, कर्वेचर समझते हो, गोलाई। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो छोटा सर्कल बनेगा, इसमें इमेजिनरी कर्व छोटा है और इस पोर्शन का कर्व काफी बड़ा है। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, 4πr². अब r इसका बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा, तो सिग्मा की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो इसका क्योंकि r बड़ा है तो इसका सिग्मा छोटा है और यहां का सिग्मा ज्यादा है, क्योंकि यहां पे ना जगह कम है, चार्ज को तो बराबर फैलना है पर जगह कम है, तो कम जगह पे ज्यादा चार्ज फैलेगा तो सिग्मा बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और खुले एरिया में डेंसिटी कम हो जाएगी। तो एक वर्ड यूज करते हैं, सिग्मा इज ऑलवेज लोकल टू द सरफेस। लोकल समझते हो, पूरे ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल वैल्यू में सेम रहती है, लेकिन लोकल का मतलब जगह जगह पर चेंज होती जाती है। तो जो रैंडम शेप बॉडीज हैं उसमें सिग्मा सेम नहीं होएगा कभी भी, जहां तीखे पॉइंट होंगे सिग्मा बढ़ जाएगा, जहां खुला एरिया होगा सिग्मा कम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तीखी बॉडी बना के देगा अजीब सी, जहां वो तीखी बॉडी होगी पूछेगा सिग्मा, और खुली बॉडी में सिग्मा क्या होगा, ऐसे अगर ये ऐसी शेप आएगी क्वेश्चन में, ऐसी ऐसी बना के देगा, ये देखो ऐसी शेप बना, वो पूछेगा कि यहां पे सिग्मा बराबर है कि नहीं, नहीं बराबर, यहां पे सिग्मा ज्यादा, यहां पे सिग्मा कम है, ये अगला ऑब्जेक्टिव आएगा आपको। क्या छुपे हुए रिजल्ट्स हैं देख लो, इलेक्ट्रिक प्रेशर शुरू भी नहीं हुआ और पूरी तो एनसीईआरटी समेट रहा हूं बीच में, बस एक एंड में बोल दूंगा ये मत करना, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक हो गया यहां तक। अगला रिजल्ट सुनो, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, वो पूछेगा फिगर यही है, E की वैल्यू बोलो इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, क्या ये सेम होगी, नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर में E का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है आपने अभी, वो देखो सिग्मा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू पूरी सरफेस के लिए क्या हो रही है, चेंज, तो E की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज। जहां का सिग्मा ज्यादा होगा E भी ज्यादा होगा, जहां सिग्मा कम होगा E भी कम होगा, है कि नहीं कमाल के रिजल्ट्स, बीच में निकल, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहे हैं बीच में से, पहला दूसरा तीसरा, सही है यहां तक, कोई डाउट इसमें, राइट, सही है, ठीक है। अब आगे चलें, अब ये रिजल्ट हो गया, वापस चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे जिसके लिए हम शुरू हुए थे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में सपोज करो आपने यहां पे ये एक बॉडी ली जो कि थोड़ा रेंडम सी शेप्ड है, आपने इसका एक पोर्शन लिया, ये लो आपने इसका एक पोर्शन लिया, ठीक है, तो आपने ये पोर्शन ले लिया, इसमें बेसिकली इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। तो मैंने किसी से ये पूछा यार एक बात बता, यहां पे एक पॉइंट लेते हैं वाई कंडक्टर के अंदर, बोल यहां पे ई क्या होगा, क्या होगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर ई हमेशा क्या होता है, जीरो, चाहे वो स्फीयर हो चाहे ना हो, कंडक्टर के सरफेस के बाहर चार्ज होता है, अंदर तो होता ही नहीं, तो ई वाई पॉइंट पे क्या रहेगा, जीरो। मैंने कहा तेरे को कैसे पता, वो कहता मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ी हुई है, मुझे पता है स्फीयर में रिजल्ट है, और वैसे भी रिजल्ट वैलिड होता ही है, मेरे को फिजिक्स के टीचर ने बताया हुआ है, चलो मान लिया ई जीरो होता है। तो मैंने कहा यार तेरे को लगता है कि कैसे जीरो हो सकता है, तो कुछ सोच, यहां पे अगर तू ई निकालना चाहता है तो ये प्लस चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसे यहां रिपेल करेगा, ये इसे यहां रिपेल करेगा, हर तरफ से रिपल्शन मिल रही है। तो उसने बोला नेट वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो। मैंने कहा पॉइंट सही है, ठीक है, ठीक बोल रहा है, नेट वेक्टर सम जीरो, इसलिए जीरो, एक्सप्लेनेशन मिल रही है। तो मैंने उसे कहा चल इसको ऐसे कर, ऐसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई चार्ज पोर्शन है और मैं यहां y पॉइंट पे e निकालना चाहता हूं, तो एक काम करते हैं हम इस बॉडी के दो टुकड़े कर लेते हैं, एक ये वाला पोर्शन और एक ये पिंक वाला पोर्शन, बस। तो ये वाला पोर्शन इस प्लस वन को यहां क्या करेगा, रिपेल, और पिंक वाला पोर्शन के सारे वेक्टर सम कहां पे आएंगे, ऑपोजिट, ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, कैंसल, और नेट आंसर क्या आ गया फिर से, जीरो। ये भी एक्सप्लेनेशन सही है,
देखो मेरे को तो नेट आंसर जीरो बताना है ना, तो अगर ये वाले पोर्शन ने इधर ई फेंका तो इस पूरे पोर्शन ने इधर फेंका, तो नेट ई जीरो। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात से ये पता लगता है कि ये वाले पोर्शन की वैल्यू अगर यहाँ पे ई टू है और बचे हुए ने ई वन, तो ई वन ई टू का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इस पोर्शन ने जितना भी ई लगाया, बचे हुए पोर्शन ने भी ऑपोजिट ही उतना ही लगाया, तो ई वन ई टू की वैल्यू बराबर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तभी नेट आंसर क्या आएगा? जीरो। तो मैंने कहा ठीक, अब मेरे पास समझ में आ गई। अब एक काम कर, इस एक्स पॉइंट पे चल, एक्स पॉइंट पे ई निकाल, लगा अपना तरीका। तो कहता देखो ये जो पोर्शन है पॉजिटिव, ये प्लस वन को रिपेल करेगा और बचा हुआ पोर्शन भी इसे रिपेल करेगा। तो मैंने कहा नेट ई क्या आएगा? कहता इस बार जीरो नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा? ई वन प्लस ई टू आएगा। एग्री करते हो? इस बार कैंसिल नहीं करेगा ना, इस बार सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, तो ई वन प्लस ई टू। लेकिन उसने कहा कि सर आपने अभी भी तो कराया था एक शॉर्टकट रिजल्ट फॉर्मूला, रजिस्टर में नोट भी तो किया है कि एक कंडक्टर के बिल्कुल पास ई की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाय एप्स, तो वो लगाओ ना। तो मैंने कहा लगा ले, तो इसका सम क्या आएगा? ये आएगा सम, इन दोनों का जो भी वेक्टर सम है वो इसके इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया अभी, कोई डाउट इसमें? और मैंने आपको ये भी बताया ई वन ई टू का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मतलब ई वन ई टू की वैल्यू क्या रही होगी? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इस पोर्शन ने यहां पर जो ई लगाया वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट लगाया, बचे हुए पोर्शन ने ई जो लगाया वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन लगाया, तभी तो दोनों को ऐड करके ये रिजल्ट आया और तभी तो इनको सॉल्व करके यहां पर जीरो आया। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया ई वन ए टू। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब देखो आखिरी इसका फेज है, आखिरी फेज है जर्मन, आखिरी फेज है कि अगर इस पोर्शन के ऊपर डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, और बचे हुए पोर्शन ने इस पे ई कितना लगाना है, मैंने ये नहीं कहा इसने कितना लगाना है, बाकी पोर्शन ने कितना लगाना है? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा ये वाला पोर्शन, डी क्यू को इससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये देखो यही क्या हुआ है, ये रहा फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू इंटू ई टू, ई टू का मतलब सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बचे हुए पोर्शन ने डी क्यू पे क्या फोर्स लगाई? इतनी फोर्स लगाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर से ये समझ में आ गया ई वन ई टू बराबर है। मैंने बस ये बोला कि यहां पे ये वाला पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूं रेड में, बस इसने इसके ऊपर ई कितना लगाया, आप बोलेंगे सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधा पोर्शन ये लगाता है आधा ये लगाता है, तो मैंने इसका इफेक्ट पूछा और इसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू, तो फोर्स कितनी लगी? चार्ज इंटू ई, ये फोर्स लगी। सही? तो ये देखो फोर्स की वैल्यू क्या लगी, डी क्यू इंटू ई टू लगी। अब डी क्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू डी एस, मान लो सरफेस एरिया उसका डी एस है, तो यहां से ई टू की वैल्यू पुट की, फोर्स को एरिया डी एस से डिवाइड किया, तो जो बचा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। डेरिवेशन तो नहीं आएगी, फॉर्मूला रजिस्टर में ये फॉर्मूला नोट कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। चलो मैंने कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे बताना कि सर ऐसे याद कर लो, ये होता है, कम से कम आइडिया तो पता लगा। और मेन बात है इसमें से बहुत रिजल्ट ऐसे आए जो आ सकते हैं, ये खुद आए ना आए लेकिन बीच के रिजल्ट तो आएंगे, ठीक है, और आएंगे ऑब्जेक्टिव, कोई सब्जेक्टिव नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई थ्योरी भी नहीं आएगा, कोई नहीं लिखवा के देखेगा। तो जो मैंने बातें कही वो फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करवा रहा हूँ, जो आनी है बस वही आएगा, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई, क्योंकि ई क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई का मतलब पूरे कंडक्टर की वजह से ई अभी करवाया था, तो सिग्मा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, ये पुट करके सेकंड फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, ये भी नोट कर लिया। अगर ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला मार्क करने को आ सकता है, आंसर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
मैंने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे आज तक एक ऑब्जेक्टिव देखा है मेज में आया हुआ और मैंने नोट किया हुआ है, तो नीट में भी आ सकता है, मेज में कहीं भी एक ही ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन है, दो हेमिस्फेयर्स हैं, दोनों हेमिस्फेयर पॉजिटिवली चार्ज हैं, मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और धक्का मार रहे हैं, पर मेरे को फोर्स लगानी पड़ी इनको रोक के रखने के लिए, तो मिनिमम फोर्स क्या लगाऊं ताकि ये रुके रहें, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, फोर्स इज जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएंगे इनटू एरिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में पता है जो एरिया लेना होता है कर्व्ड में, वो कभी साइड कर लेना होता है, वो हमेशा जब फोर्स ऐसी लगती है ना इसके सरफेस पे, टेढ़ी सरफेस पे, तो इसका जो है प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है सर्कल का एरिया, क्योंकि सारी फोर्स यहां पर जाके लगती है, इसके एरिया पे लगेगी। तो पाई आर स्क्वायर आंसर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो डाउट मत लेके आना, सीधा मार्क कर देना, और आएगा ये डाउट, अगर ना बताएं तो डाउट आएगा, पक्की बात है। ठीक, देखा है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक?